टीजीटी आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के हमारे कलाकार हैं अनुपम सूद, ये भारतीय समकालीन कलाकार हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अनुपम सूद का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए होशियारपुर पंजाब, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम केरल, ऑप्शन सी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मुंबई महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए होशियारपुर पंजाब। चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अनुपम सूद एक हैं ऑप्शन ए पुरुष कलाकार, ऑप्शन बी महिला कलाकार, ऑप्शन सी अंधा कलाकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महिला कलाकार। चलिए देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अनुपम सूद एक हैं ऑप्शन ए मूर्तिकार, ऑप्शन बी कला समीक्षक, ऑप्शन सी शिल्पकार, ऑप्शन डी चित्रकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चित्रकार। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। अनुपम सूद का कार्डबोर्ड कोलोग्राफ माध्यम से बना चित्र निम्न में से है, ऑप्शन ए सह अस्तित्व, ऑप्शन बी जीवन एक क्रांति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी पिशाच नृत्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। अनुपम सूद को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1976। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1973। चलिए बढ़ते हैं हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। संवाद चित्र किस चित्रकार का है? ऑप्शन ए कमल कृष्ण, ऑप्शन बी गगनेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी शंखो चौधरी, ऑप्शन डी अनुपम सूद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुपम सूद। चलिए बढ़ते हैं हम अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। अनुपम सूद व्यावसायिक दृष्टि से जाने जाते हैं, ऑप्शन ए ग्राफिक्स कलाकार, ऑप्शन बी संगीतकार, ऑप्शन सी लेखिका, ऑप्शन डी कला समीक्षक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्राफिक्स कलाकार। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ। विजय का पताका चित्र किस चित्रकार का है? ऑप्शन ए कृष्ण खन्ना, ऑप्शन बी नागजी पटेल, ऑप्शन सी अनुपम सूद, ऑप्शन डी लतिका कट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुपम सूद। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नवे क्वेश्चन की तरफ। अनुपम सूद का चित्र दीवारों से सरोकार निम्न में से कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ संग्रहालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं हम अपने दसवें क्वेश्चन की तरफ। संरचना चित्र किस चित्रकार का है? ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन बी राम किंकर वैज, ऑप्शन सी अनुपम सूद, ऑप्शन डी कमल कृष्ण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुपम सूद। चलिए बढ़ते हैं हम अपने ग्यारहवें क्वेश्चन की तरफ। अनुपम सूद ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन ए सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, ऑप्शन बी शांतिनिकेतन कला विद्यालय नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ कला विद्यालय, ऑप्शन डी दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली।
चलिए बढ़ते हैं हम अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। बायोग्राफी ऑफ अ क्राइम चित्र किस चित्रकार का है? ऑप्शन ए अनुपम सूद, ऑप्शन बी देवी प्रसाद राय चौधरी, ऑप्शन सी शैलेंद्र नाथ डे, ऑप्शन डी शारदा चरण उकील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुपम सूद। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। त्रिमूर्ति चित्र किस चित्रकार का है? ऑप्शन ए अंजुम सिंह, ऑप्शन बी गोवर्धन लाल जोशी, ऑप्शन सी द्वारका प्रसाद शर्मा, ऑप्शन डी अनुपम सूद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुपम सूद। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। अनुपम सूद ने छापा चित्रण की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन ए स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन, ऑप्शन बी सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास कला विद्यालय, ऑप्शन डी कलकत्ता कला विद्यालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन। चलिए बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। शिफ्टिंग चित्र किस चित्रकार का है? ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी अनुपम सूद, ऑप्शन सी तैयब मेहता, ऑप्शन डी गुलाम मोहम्मद शेख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुपम सूद। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।